स्वागत है आपका इंस्टा व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? हो आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छा कर रहे होंगे। आज है 5th फेब और 2 दिन की बारिश के बाद आज ही धूप आई है। मैं जा रही हूँ घूमने मसूरी अपनी फ्रेंड के साथ। उसे आपने बहुत बार ब्लॉग में देखा होगा और उसके कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, तो वो कैमरा के आगे नहीं आने जाते तो मैं उनको नहीं दिखाऊंगी, बट मैं खुद को और आपको पहाड़ बर्फ़ कोशिश करूंगी कि हम वहाँ जाएँ जहाँ बर्फ़ गिरी है ऊपर। तो होप सो कि वहाँ तक जाया जाए, वरना मैं आपको पूरा दिखाऊंगी जहाँ जहाँ मैं जाऊंगी मसूरी में। तो बने रहिएगा आज मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। तो पहले करते हैं जाने की तैयारी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेते हैं और अपने लिए फिर मैं शॉल वगैरह रख लूँगी रस्ते के लिए क्योंकि ठंड ना लगे, टोपा वगैरह। तो फिर करते हैं तैयारी। अभी अभी सो के उठी है रव्या, आप लेट उठते हो सो के। अच्छा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय माता दी कर दो, जय माता दी करो। मॉर्निंग में कैसे करते हैं, करो। हाँ, जय माता दी करो, करो करो बेबी। हाँ, जय माता दी, गुड गर्ल। ये हूँ मैं, और कितनी अच्छी धूप आ गई आज। सब ने अपने कपड़े सुखाने डाल दिए क्योंकि 2 दिन बहुत ज़्यादा बारिश थी। और मैं आपको पहाड़ भी दिखा देती हूँ, उधर की तरफ से भी हल्के हल्के दिख रहे होंगे, दूर है हमारे घर से तो साफ नहीं दिखते, बट इधर से भी दिखा देती हूँ मैं। धूप आ गई है, अब हमारी छत में भी धूप नहीं आई है। मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए, और आज मम्मी ने मुझे बताया कि बसंत पंचमी है, तो आप सभी को मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हाय, आप सबको मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मम्मी, हम इस दिन क्या बनाते थे? मीठा हलवा बनाते थे ना, चावल और मीठा भात बनाते हैं ना। हाँ, पंचमी के दिन होता है, वो गांव में वो भी लगाते हैं, चौखट में जो नहीं होते जो हरे हरे जो, वो लगाते हैं गांव में गोबर के साथ। हाँ, लगाते के साथ चिपकाते हैं चौखट में दोनों कोनों में, क्योंकि इस टाइम पे बहुत हरियाली होती है खेतों में, बहुत हरा भरा रहता है, इसलिए ये इस दिन ये करते हैं गांव में। अच्छा होता, शुभ होता है ना जो। और इस दिन कान और नाक भी छिदाती है लड़के ज्यादा से। पहले वो भी करते थे मौके, पंचमी के दिन वो गाने लगाते थे सब लेडीज से रात को ना। हाँ, गाना लगाते थे किसी, कभी किसी के घर में, कभी किसी के घर में जाके। और इस दिन ज्यादातर सब येल्लो कपड़े पहनते हैं, मैंने नहीं पहना है, बट मेरे पे कुछ येल्लो था नहीं, बट शिव ने ऑफ ले रखा है। तो देखो कि क्या कर रहा है आज ऑफ वाले दिन, अपनी दिहाड़ी मजदूरी पे लगा हुआ है। ये देखो लगा है जलते घिसते में। हेलो, कैसा लग रहा है आपको फिर छुट्टी के दिन भी काम करते हुए? परम आनंद। एटलीस्ट मैं घर पे तो। ओह एमजी, इतना ज्यादा काम है क्या हॉस्पिटल में? नहीं। अच्छा करो करो, मैं तो घूमने जा रही हूँ। जाओ जाओ। ये भी कार, और अभी पेट्रोल भर रहा है इसमें, और ये भी है। अच्छा लग रहा है ना, धूप आ गई है, बर्फ़ पिघल रही होगी मसूरी में। तो निकल पड़े हम अपने सफ़र की ओर, मसूरी की ओर, और यहीं से ठंडा लगने लग गया है, तो ऊपर कितना ठंडा होगा। हवाएं चल रही ठंडी ठंडी, कितना अच्छा व्यू लग रहा है मसूरी में सामने। वाह, आसमान टच हो रहा है पहाड़ों से, कई लोग आ रखे हैं आज तो, बहुत भीड़ मिल रही है रस्ते में। बर्फ़ पीते दिन तो बहुत लोग आते हैं घूमने के लिए, इतना अच्छा भी लग रहा है यहाँ। ऊपर तो मुझे लग रहा है ठंड होगी बहुत, अगर ज़्यादा ऊपर जाएंगे तो वहाँ बहुत ठंडा होगा। छोटे छोटे गांव मस्तूरी के रास्ते में हर जगह मिलेंगे, आधे रास्ते जंगल आधे जगह पे गांव मिलेंगे छोटे छोटे जगह पे। कैसे रहते होंगे यहाँ के लोग इतने ठंडे में, ठंडा लग रहा है। यहीं से बर्फ़ दिखनी शुरू हो गई है, अभी तो ज़्यादा ऊपर भी नहीं गए हैं। कितनी बर्फ़ गिरी हुई है, लोगों के घरों पे भी गिरी हुई है, पूरे पहाड़ों पे बर्फ़ बर्फ़ दिख रही है। और यहाँ भी देखो कितनी बर्फ़ है, कितना जाम हो रखा है ऊपर, ट्रैफिक जाम ढंग से दिख नहीं रहा होगा बट बहुत जाम। तो अभी हम यहाँ पे रुके, लोकेशन तो अच्छी लग रही है, यहाँ पे मैगी वगैरह खाने के लिए रुके हैं फ्रेंड्स। लोगों की हालत टाइट हो गया, ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरी है तो हम ज़्यादा ऊपर नहीं गए, यहीं पे खड़े हैं। तो ये रहा हमारा रेस्टोरेंट जहाँ मैगी खाएंगे। यहाँ से मैं आपको व्यू दिखा देती हूँ सामने का कैसा आ रहा है।
तो बहुत अच्छा व्यू आ रहा है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है ये देखो, और सामने तो अच्छी धूप भी आ रही है इस पहाड़ के सामने, इस साइड छांव है, बट बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम साफ सुथरा आसमान और चिड़ियों की चहकने की आवाज़ भी आ रही है, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से। और अब हमें जाना पड़ेगा घर, क्योंकि दोस्त को अर्जेंट काम आ गया है तो घर निकलना पड़ेगा। सूर्य से देहरादून कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है यहाँ से, कितना अच्छा लग रहा है देहरादून देखने में यहाँ से। हमारा इंडिया भी कम नहीं है फॉरेन कंट्री से, बट ह्यूमन ने सब बना दिया ना, वही प्लास्टिक कूड़ा कर कचरा वहीं रोडों में फेंक देते हैं जो भी आते हैं घूमने के लिए। हमें भी अपनी कंट्री को साफ रखना चाहिए, कूड़े को डस्टबिन में डालना चाहिए, टूरिस्ट प्लेस को ख़राब नहीं करना चाहिए, नहीं तो नेचर तो एक जैसी है, फॉरेन कंट्रीज़ में भी वही नेचर है, इंडिया में हर जगह वही नेचर है, बट हमने ही नेचर को ख़राब करा हुआ है। हमें भी और कंट्री से सीखना चाहिए, अपनी कंट्री को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ ये ज़रूर करें, जो भी कुछ खाएं और डस्टबिन में ज़रूर डालें, रोड में ना फेंक। तो हम पहुंच गए राजपुर रोड, और ट्रैफिक है यहाँ पे बहुत, जाम लग रहा है यहाँ पे, हम काफ़ी देर अभी फंसे रहे जाम में आगे, जब बर्फ़ पड़ी है ना मसूरी में तो बहुत लोग जा रहे हैं, बहुत लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मैं अभी अभी घर आ गई हूँ, बहुत ठंडा था वहाँ ऊपर, और अभी मैंने बैग वगैरह रख दिया नीचे। दादा मैं वहाँ शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ा बहुत ही ट्रैवल का ही शूट करा, बाकी व्यूज़ वगैरह लिए थोड़े से, फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक नहीं कर पाई क्योंकि किसी को अर्जेंट काम आ गया था तो हमें वापस आना पड़ा जिनके साथ हम गए थे, इस वजह से ज़्यादा शूट नहीं कर पाई, बट नेक्स्ट टाइम ज़रूर शूट करूँगी। तभी मिलते हैं राव्या और मम्मी से, मम्मी और राव्या यहाँ लेटे हुए हैं। राव्या मम्मा और मम्मी फ़ोन में बात कर रही है। मसूरी में तो इतना ठंडा था, वहाँ तो बर्फ इतनी पड़ी हुई थी, हाथ पैर भी सुन हो रहे थे, बट यहाँ कितनी अच्छी धूप आ रखी है। आ रखा है हमारे यहाँ आशु, मेरी बुआ का लड़का, इसको अपने गांव की वीडियोस में देखा होगा, ये राशु। हेलो गाइस। और इसे जाना है कुछ खाने के लिए, तो हम घर पे ही ले जाएंगे, बाहर तो नहीं खाएंगे। क्या खाएगा? हम पहले मोमोज खाएंगे, फिर जलेबी, और फिर थोड़े बहुत क्या समोसे। खा पाएगा तो इतना सब खा लेंगे। तो चलिए फिर हम चलते हैं, पहले मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, तो उसको खिलाने ले जाते हैं मोमोज वगैरह। तो मैं हो गई हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ लौकी के मोमो लेने, बहुत फेमस है, माने बहुत टेस्टी होते हैं, तो चलते हैं मोमोज लेने। ये आ चुकी है आशु की गाड़ी, कौन सी गाड़ी है ये? यामाहा की। अच्छा, हाँ। तो आशु की स्कूटी की हवा निकल गई है टायरों की, फिर हवा भरवा रहा है यहाँ पे खड़े होके। भरा दी हवा, हवा आपके बैठते हवा निकल गई। ये 6 नंबर पुलिया है जिसपे गाना भी बना है, गढ़वाली गाना। ये मंडी लगी है पूरी यहाँ पे, पहले इतना डेवलप नहीं था यहाँ पे, ठेलियाँ लगती। तो यहाँ जाना है हमें आगे, ये है रायपुर। सामने है महाराणा प्रताप का स्टैचू, और इन्हीं के नाम से यहाँ आगे है स्पोर्ट्स कॉलेज, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, और यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है आगे। जो हमने सोचा हम यहाँ मोमोज लेने आए हैं तो आपको क्रिकेट स्टेडियम भी क्यों ना दिखाया जाए, तो चलते हैं क्रिकेट स्टेडियम की ओर। घर वगैरह नहीं थे, बहुत
निर्माण अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है UKSSC। इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, ये रायपुर में है थानों के पास। ये अफगानिस्तान ने ले रखा था 2018 में, उनका होम ग्राउंड था ये। अब तो उनका लखनऊ में है होम ग्राउंड, है ना आशु? तो अब यहाँ बहुत सारे मैचेस भी हुए हैं अफगानिस्तान टीम के, कई क्रिकेट टीम के साथ। तो IPL तो नहीं हुआ है, बट बाकी मैचेस ज़रूर हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे कई लोग आए हुए हैं इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनाने आए हुए हैं, लड़के लड़कियाँ आई हैं, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रही हैं, क्योंकि लोकेशन अच्छी है ना, लोग भी घूमने आए हैं, लोग स्कूटी भी सीख रहे हैं यहाँ, कई बाइक सीख रहे हैं। मैं भी पहले यहाँ स्कूटी सीखने आती थी मॉर्निंग में, थोड़ा बहुत जो आती थी यहाँ से यहीं सीखी है मैंने, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। तो हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाई यहाँ पे, अच्छा व्यू है क्योंकि यहाँ का। तो अब हम चल रहे हैं मोमोज लेने, फिर निकलते हैं घर। चलो फिर हम आ गए मोमोज की दुकान के पास, वो सामने ही है मोमोज की दुकान, दिख गई है मुझे। ओनली वेज करके लिखा है, जो सामने से दिखेगा अभी ढंग से क्लियर। तो चलो चलो इस तरह चलते हैं, ये रहा शॉप। तो मोमोज हमने ले लिए हैं, लौकी के मोमोज। घर जाके देगा आशु रिव्यू कैसे हो रहे हैं, टेस्ट कैसा हो रहा है इनका। तो निकल पड़े हम घर की ओर, मास्क लगा लेती हूँ। अभी हम बैठे समोसे की दुकान में वेट कर रहे हैं समोसे और जलेबी का, इसके मुंह में पानी आ रहा है। अभी अभी आई हूँ मैं और आशु, तो वो अंदर गया है अभी। मैं इनके बच्चों को साथ देखने आई हूँ, बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, खेल रहे हैं कि नहीं। ये देखो लब्बू, लब्बू आज घूमने गया था, कहाँ गया था लब्बू? लो लो कैसे पटपट, कहाँ गया था? अब भाभी लोग, ये देखो दोनों भाभी खड़े हैं यहाँ पे। हाय, ये देखो इन दोनों को घुमाया जा रहा है इसमें। जब मैं तैयार हो रही, शिकायत लगाई जा रही है कि मैं तैयार थी तब क्यों नहीं आई तू। अरे मैं कैसे आती हूँ, समय में गई थी ना, आप कॉल कर देते मुझे। तो मैं अंदर आ गई हूँ, बच्चे वहाँ पे खेल रहे हैं राव्या और अनायरा, मम्मी वहाँ बैठी हुई है उनको देखने के लिए। तो मैं आशु तब तक खाने का सामान लगा रहे हैं, शिवम भी अभी आ रहा है, चाय रख दी है मैंने चढ़ाने के लिए, समोसे के साथ चाय पियेंगे। मम्मी तो खाएगी नहीं मोमोज वगैरह, मम्मी सिर्फ समोसा या जलेबी खाएगी, तो मम्मी बाद में खा लेंगे, मम्मी कह रही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ हम क्या क्या लाए हैं। लौकी के मोमोज, चटनी, जलेबी आशु लगा रहा है प्लेट पे, और ये समोसे, ये मैं कर देती हूँ थोड़ी हेल्प। अरे हेल्प के चक्कर में समोसे बिखर गए। समोसे और पार्टी हो रही है, क्योंकि अंधेरा भी हो ही गया है, तो इसलिए मम्मी घर आ गई है। यम यम कौन खाएगा? तो मम्मी, राव्या, शिवम और पार्टी चल रही है अभी, तो मिलते हैं खाने के बाद। तो हो गई हमारी पार्टी समाप्त, आशु से पूछते हैं उसे मोमोज कैसे लगे। गजब, अच्छे थे, मैंने भी 2 साल बाद खाए हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगे मोमोज। तो आज हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया। हम आ रहे थे मोमोज वगैरह लेके, तो इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जाते वक्त तो पहना हुआ था, आते वक्त थोड़ा ही रह गया था, तो इसने हेलमेट नहीं पहना। तो सामने ही पुलिस वाले खड़े थे, तो वो दूर से इशारा भी कर रहे थे रोकने का, हम थोड़ा दूर पे थे उनसे, डिस्टेंस पे थे। तो सामने गली थी वहाँ पे भी पुलिस वाला खड़ा था, बट उसका फेस हमारी साइड नहीं था, उसका फेस हमारे से अपोजिट साइड पे था, तो वहाँ के लड़कों को रोक रहा था, तब तक हम निकल गए छुपके से। तो बट आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, हेलमेट ज़रूर पहनिएगा, हम इसे मैंने बोल दिया अगली बार से हेलमेट पहन के जाएगा। तो यही था आज का व्लॉग, होप आपको हमारा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय।